सुरेंद्र राजपूत जी, जो सवाल मैंने कंचना जी से पूछा वही सवाल आपसे कि राहुल जी ने जब अपनी इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की तो सबसे पहले मिलिंद देवड़ा छोड़कर जाते हैं, बंगाल में आते हैं तो ममता दीदी कह देती है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बिहार में आते हैं नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, यूपी में अभी तक अखिलेश यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं और भी नेता आपके छोड़कर जा रहे हैं, जब आप अपने मुद्दों को अपने सहयोगी दलों को अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे तो जनता को कैसे समझाएंगे, ये लोग साथ क्यों छोड़ रहे हैं? दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है, मैंने तो इसका जवाब पहले भी आपको दिया और आगे फिर देता हूं कि आज की डेट में हमारे पास देने के लिए अपने साथियों को संघर्ष है, सत्ता नहीं। जो लोग सत्ता के बगैर नहीं रह सकते हैं वो लोग गए, और जो लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, इंडिया गठबंधन के सिपाही हैं, जिनका काम संघर्ष है वो संघर्ष करेंगे। और आज की डेट में जो लोग पर्सनालिटी क्लाउट की वजह से चुनाव जीतना चाहते हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास जा रहे हैं, और जो लोग मुद्दों पर बात करना चाहते हैं सुरेंद्र जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी, आप बीच में आप बोल देते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं सुरेंद्र जी, आपको सवाल देते हैं कि हमारे मौका देने का मतलब ये नहीं होता है कि आधे 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 में आपको पूरा मौका दे रहा हूं खत्म कर दे ताकि हम अपनी पूरी बात ना कह पाए। सुरेंद्र जी आप पूरी बात रखिए, आप पूरी बात रखिए, सम्मान के साथ रखिए, मैं एक छोटा सा उसमें एड ऑन कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं पर्सनालिटी क्लाउड के सहारे जो लोग जीतना चाहते हैं वो लोग मोदी जी के साथ जाना चाह रहे हैं। सवाल पूछा उसका नहीं, आपने जो जवाब दिया उसमें से जो एक चीज निकल कर आ रही मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, अपनी बात पूरी करिएगा। आप ये कह रहे हैं कि पर्सनालिटी क्लाउड की वजह से लोग मोदी जी के साथ जा रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है उसमें काफी इजाफा इसलिए लोग जा रहे हैं? ये सत्ता समर्थक मीडिया ने ना एक काम कर दिया, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया में सत्ता समर्थक मीडिया है, उन्होंने एक भ्रम पैदा कर दिया मोदी जी के पर्सनालिटी क्लाउट का, उसी से प्रभावित होकर के सत्ता समर्थक मीडिया का क्लाउट है, इससे प्रभावित होकर के जो लोग हैं वो जाते हैं। जो लोग मुद्दे की बात करते हैं उनके पास मुद्दे हैं। आज की डेट में क्या ये सच नहीं है कि किसान सड़क पर बैठा है? आज की डेट में क्या ये सच नहीं किसान की आय दुगनी नहीं हुई है? क्या आज की डेट में सच नहीं है कि हमारे समय में 50 रुपए डीजल था और आज की डेट में 100 रुपए डीजल है किसान के लिए? क्या आज ये सच नहीं है कि हमारे जमाने में 50 किलो का यूरिया का कट्टा होता था, आज की डेट में 45 रुपए का है? आज की डेट में क्या ये सच नहीं है कि सारे खाद जो किसान को मिलते थे वो दुगने दाम पे हो गए लेकिन उसकी फसल की कीमत जो है मात्र 35 रुपए क्विंटल बढ़ी है? आप क्या ये सारी चीजों का आप हटा सकते हैं? आज की डेट में अग्निवीर सच नहीं है? जवाब आप अभी वाजपेयी जी कह रहे थे, 5 सेकंड अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि क्या कहां पर है क्या नाम बेरोजगारी? वाजपेयी जी 1.5 लाख की भर्ती लगा हर साल होती थी सेना में, आज की डेट में 40,000 की हो रही है, वो भी अग्निवीर हो रहे हैं। हाँ, आप तो कम से कम ऐसी झूठ बात बोलिए। शहजाद जी जवाब दीजिए। देखिए, किसान पता नहीं, किसान डीजल यूरिया बेरोजगारी, मैं सबका जवाब देता हूँ। मैंने सारे नोट किए, 6 पॉइंट नोट किए सुरेंद्र राजपूत जी के और उम्मीद है वो भी सुनेंगे। पहली बात तो मुझे हैरानी होती है कि कांग्रेस के नेता आकर कहते हैं नेशनल टेलीविजन पर कि हमारे सारे नेता सत्ता के लालची है, थोड़ा सा लालच दिखाएंगे भाग जाएंगे, हमारे सारे नेता भ्रष्टाचारी है, थोड़ा ईडी का डर दिखाएंगे भाग जाएंगे। तो मान्यवर, ऐसे नेताओं को बनाकर काहे रखा है बड़े बड़े पदों पर? तुरंत उनको खाली कीजिए ना, या तभी याद आ रहा है जब वो स्विच कर जाते हैं। और मिलिंद देवरा पर कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप था और वो कौन से सत्ता के लालची थे, कितने महीनों तक सालों तक वो कहीं पर नहीं रहे? उसके अलावा आरएलडी को कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप जयंत चौधरी पर लगा था? तो इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बेरोजगारी की बात की, कंचना यादव जी, मान्यवर अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में थी राजस्थान में थी, और सबसे कम थी तो मध्य प्रदेश में थी। राजस्थान में 20% के ऊपर थी, मध्य प्रदेश में 2% थी, इसलिए वहां पे हमारी सरकार इन्हीं मुद्दों पर चुनकर आई और आपकी सरकार को वहां से, इंडी सरकार को वहां से निकाला गया। इसके अलावा महंगाई 10.5-11% एवरेज महंगाई दर था यूपीए के जमाने में, आज 5.5% से कम है, जबकि 2 से 3 वैश्विक चुनौतियां हैं। कोविड की चुनौती थी, यूक्रेन रशिया की चुनौती थी, इसराइल पैलेस्टाइन की चुनौती थी। यह होता है परफॉर्मेंस और प्रो इनकमबेंसी पर वोट। चौथी बात, आप कह रही मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों की बात चंद्रशेखर जी कर रहे थे जब रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड मिला था। सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, मुद्दों की बात थी। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने किसान और बेरोजगारी दो शब्द उस पे कह दूं, किसानों की बात करने का अधिकार सुरेंद्र राजपूत जी, जो एमएसपी पर जो रिकमेंडेशन था 2010 में केवी थॉमस ने कहा था हम इसको लागू नहीं करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी 2006 में, 14 तक लागू नहीं किया, मोदी जी ने लागू किया, स्वामीनाथन जी ने कहा धन्यवाद मोदी जी आपने सारी चीजों को लागू किया। उसके अलावा आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि, आपने 25,000 करोड़ बजट रखा था एग्रीकल्चर का,
1,25,000 करोड़ बजट हमने किया, हमने जिस प्रकार से किसानों को एमएसपी बढ़ाकर दिया था गेहूं और धान पर, हम प्लीज कंप्लीट कर दीजिए, आज 11 लाख करोड़ दिया गया, केवल मैं 2 क्रॉप्स की बता रहा हूं। तो इसीलिए आपको इन बातों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु मुझे बताइए आपके मुद्दे क्या थे। आपके मुद्दे होते सनातन को उजाड़ देना, आपके मुद्दे होते विभाजन करना और नॉर्थ इंडियंस को गाली देना जो डीएमके के नेता देते हैं, आपके मुद्दे होते हैं ओबीसी और जातियों में बांटना और बांटने का काम करते हैं, तो ओबीसी को प्रतिनिधित्व कहां दिया आपने? राज्य के चुनाव में जब चुनाव हुए तो रेवंत रेड्डी को क्यों बना दिया दलित बनाते? एमएसपी पर आपकी राय क्या है? एमएसपी पर मेरी राय कतई ये नहीं है जो मनमोहन सिंह और रघुराम राजन की थी कि एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ता है, चेक कर लीजिए उन्होंने कहा था। एमएसपी पर राय हमारी ये है कि हमने जिस प्रकार से एमएसपी हर क्रॉप पर जिस पर दी जाती है उस पर लगातार बढ़ा है। मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, गेहूं और चावल उसमें 11 लाख करोड़ से अधिक का एमएसपी हमारी सरकार में दिया गया, इन्होंने 3 लाख करोड़ दिया था। इनसे पूछे कि एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आई थी क्यों नहीं दिया, और इसीलिए मैं आपको कहता हूं, देखे एक 10 सेकंड और जी एम फॉर मंदिर एल के अडवाणी को भारत रत्न मिला, एम फॉर मिलेट स्वामीनाथन जी को मिला, एम फॉर मंडी चौधरी चरण सिंह जी को मिला, एम फॉर मार्केट नरसिम्हा राव जी को मिला, और एम फॉर मंडल कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। कर्पूरी ठाकुर तक को आपने सम्मानित नहीं किया और फिर भी कंचना यादव जी आपने हमारा विरोध किया, और जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को कभी सम्मान दिया उनके साथ आप बैठे। सुरेंद्र राजपूत जी, शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि एमएसपी तो 2010 में आपके कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि लागू नहीं कर सकते हैं। हमने गलती करी, हम बहुत इसमें बहस में नहीं पड़ते। आप गलती स्वीकार कर रहे हैं कि पहले नहीं समझ में आई, अब हमारे समझ में आ गए? हाँ बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा। हम तो कहते हैं कि अब आप ये मानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने गलती की एमएसपी लागू ना करके? मैं फिर से कहता हूं कि 2010-11 में हमको एमएसपी लागू कर देने, हमने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष थे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 11 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी, 12 में रिपोर्ट की जैसे ही चीजें आई वो असलियत जो है उसके बाद हमारी सरकार चली गई। एमएसपी लागू करनी थी नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन हम तो फिर भी कहते हैं कि बहस की बात आप मत करिए अभी, अब मैं एमएसपी की बात, बहस की बात मत कीजिए। हम तो एमएसपी, अब अगर आपको किसान भाइयों को एमएसपी लागू करनी है तो नरेंद्र मोदी जी को पुनः विपक्ष में बैठाना होगा। कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है कि वो एमएसपी भी लागू करेगी, और स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो 205 रिकमेंडेशन थी उसमें से 175 तो हमने पहले ही लागू कर दी 2014 से पहले, बाकी सारी रिकमेंडेशन हम जो है अब लागू करेंगे जी, ठीक है ना? और ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं शहजाद पूनावाला साहब, इसको आप जरा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसको आप भी कहते थे। सुनिए मैं आपको, चलिए मैं शहजाद पूनावाला से जवाब लेता हूं, आप भी इसी बात, मैं तुरंत स्पष्टीकरण लेता हूं जी शहजाद जी, मैं आपको बहुत साफ कहता हूं कि एमएसपी अगर किसी को लागू करनी है तो वो नरेंद्र